जेबा है ये तो
अब कोई नहीं है जुज मेरे जो शाम और
देख लेना
हश्र में उड़ेंगी बीबी की जुल्फें
सुनाओ निसार अकबर का जिक्र करके रुलाओ निसार अरे सेली कनील मां को दिखाओ निसार बाबा को जाके दर पे पिछला पर हुआ बाबा को तेरे रोती हूँ उठ साथ दे मेरा गुरते से मुंह को ढाके पहलू में बैठ जा अम्मा की बेटी अम्मा को पड़ी गुफा में
बाशोर अगर सिर्फ आलिम को कहते हैं तो आलिम तो हमारे निजाम है, जिन दो चार मौलवी हैं उसके अलावा कोई है, लेकिन नहीं अभी तो आलिम का मतलब ना मौलवी ना आलिम का मतलब डॉक्टर ना आलिम का मतलब इंजीनियर। आलिम का मतलब यह है कि जिसके सामने से हकीकत है जो है वो बेनकाब हो गया वो आलिम है, और अगर पढ़ा लिखा भी है और हकायत के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है तो पढ़ा लिखा होने के बाद भी जाएगा। इसलिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो कहने के लिए तो पढ़े लिखे होते हैं लेकिन हो ये बात अपने जहन में रखें कि अल्लाह ने हमें और आपको आलिम हो चीज जिसको हम इल्म आप कह रहे हैं या जिसको अक्ल कह रहे हैं, तो कोई साहब पढ़ के पूछ सकते हैं कि माना साहब आप भी रोज पढ़ा करते हैं तो अल्लाह और अल्लाह ने शिकर में मदद से तुम्हें ऐसे पैदा किया तो कुछ नहीं जानते, एक तरफ आप बयान करते कुछ नहीं जानते और एक तरफ कह रहे हैं कि हम इंसान को जो हम आलिम और आकिल तो हैं। अभी तो यही कुछ होता है जिससे ये पता चल रहा है कि हमारा इल्म और हमारी आकिल काफी है। लोग खुदा तो मानने लगे लेकिन पत्थरों को पता
इसका मतलब जब इब्राहिम के बाद जनाब मूसा आए तो अब काम गया, ना मानने वाले मौजूद है और पत्थर को खुदा मानने वाले मौजूद है। ज्यादा मूसा का काम ज्यादा बड़ा, ज्यादा मूसा को जो उससे बड़ी नबूवत दी गई। और नबूवत में क्या ये मतलब नहीं है कि जिस्म और दिल डॉ बड़ा हो, नबूवत का मतलब यह है की गुमराही से भी निकालना है, बुत परस्ती की गुमराही से भी निकालना है। और 40 दिन के लिए कोहे तूर में चले गए तो जानवर परस्ती भी पैदा हो गई, नहीं गुमराही पैदा हो गई। आप सुनते रहते हैं कि सामरी ने जो है वो एक बछड़ा बनाया और बछड़े में आवाज पैदा हो गई, तो अब सब जो है वो सामरी के बछड़े को पूछने लगे। तो अब जब ईसा आएंगे तो ईसा का काम और बड़ा होगा, ईसा का काम और बड़ा हो गया। देखिए ईसा के जमाने में अब गुमराही क्या है, इनकार वाले भी 100-200 मौजूद है, बुत परस्ती वाले भी 1000-2000 है, बछड़े की पूजा करने वाले भी जो है वो 10-20 हजार मौजूद है। और उसके बाद जब जनाब ईसा है, इन तीन के मुकाबले के अलावा मुझे ईसा के पैदा होते ही एक नई गुमराही पैदा हो गई, और उस गुमराही का नाम यह है कि ईसा जैसे ही बोले सब कहने लगे तो अल्लाह के बेटे, बोले वैसे कहा कि अल्लाह के बेटे हैं। इसका मतलब यह कि जब जनाब आदम आए थे तो आदम जिस दिन आए थे उस दिन कोई गुमराही नहीं, आदम होगा पहले तो आदमी आए। और इन दोनों को परवरदिगार आलम ने अपनी कुदरत से पैदा किया है। अगर कोई खराबी आदम में पैदा हो जाए तो लोग कहेंगे अल्लाह की ताकत क्या है, ऐसे खराब को बना दिया। अगर हवा के अंदर कोई खराबी पैदा हो जाए तब भी लोग कहेंगे इसमें तो किसी का दखल नहीं है, न किसी माँ का दखल है, न किसी बाप का दखल है। लेकिन हमारे और आपके यहाँ तो ये परेशानी है कि जैसे हम खराब निकले तो फौरन क्या हो, किसी माँ बाप का जाएगी नहीं, हकीकत नहीं है। आप ये परेशान ना हो कि जाएगी, अगर हकीकत ना हो तो जब जनाब ईसा सामने आए थे तो कौन ये ना कहती माँ का ना भूखे हम लोग सब माँ का ना भूखे। और जनाब नूह के बेटे जब पहाड़ पे भागने लगे तो कुरान खुदा के ना कहता इमरा का नूह हिस वर्गो दिन खाना तो हमा, नूह की बीवी ने भी खयानत किया था, लूत की बीवी ने खयानत किया था। अब समझ में आया कि जब माए खायन होती हैं तो बेटे पहाड़ पे भागते हैं। आदम वहां
सारी गड़बड़ वहां से पैदा होगी कि जब आदम से नस्ल आदमी आगे बढ़े। इसलिए आप देखें जैसे जैसे नस्ल आदमी आगे बढ़ती गई और हमारी और आपकी कसरत होती गई, गुमराहियां बढ़ती गई, गुमराहियां बढ़ती गई तो कानून बढ़ता गया। इसीलिए कानून का एक हिस्सा अल्लाह एक है, वो कोई कहीं नहीं बदला, ना आदम के जमाने में बदला, ना जो है नूह के जमाने में बदला, ना इब्राहिम के जमाने में बदला, ना मूसा और ईसा के जमाने में बदला। ऐसा भी लोग सोचे कि हमारे नबी की नई शरीयत आई, अच्छी शरीयत का नाम है तौहीद। तौहीद आदम से लेके हमारे नबी तक है। उसके बाद दूसरा मसला शुरू होता है रिसालत। अब तौहीद के अज्जा में हो सकता है इख्तलाफ हो, तौहीद के जो जुजियात है, मतलब क्या खुदा जो है वो कुदरत रखता है या नहीं रखता है, इसमें झगड़ा हो सकता है। क्या खुदा जो है मुतकल्लिम है या नहीं है, इसमें झगड़ा हो सकता है। ये सारी बातें धीरे धीरे करके हमारे नबी तक आके जो है वो पूरा मुकम्मल हो गई है। लेकिन उस जमाने में जरूरी नहीं कि ये वैसे हो, उस जमाने में तो ये बहस करने की जरूरत ही नहीं है कि खुदा मुतकल्लिम है या नहीं। जनाब आदम का बात जिब्रील के जरिए से खुदा से डायरेक्ट बात रहता है, जो कुछ गुफ्तगू करना जिब्रील बताते जाते हैं। अब कोई बहस ही नहीं है कि खुदा जो है वो बुलवाता, आदम तो इतने ही जानते हैं कि खुदा जिब्रील के जरिए से बुलवाता। लेकिन ये तो मूसा के दौर तक पहुंचते पहुंचते पता चला कि खुदा तन्हा जिब्रील के जरिए से नहीं बुलवाता, खुदा कोहे तूर के जरिए से नहीं बुलवाता। तो पता चला तो परवरदिगार आलम ने जैसे जैसे जरूरत पड़ी उस ताकत का नबी भेजा, उस ताकत का नबी भेजा। इसीलिए खुद कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, फजलन बाज़कुम अला बाद, हमने बाद नबियों को बाद के ऊपर फजीलत दी। ये फजीलत का मतलब ये नहीं है कि किसी को अल्लाह ने छोटा बना दिया दूसरे को बड़ा बना दिया, नहीं। अल्लाह ने सबको एक तरह का बनाया था, लेकिन जिसके जमाने में काम ज्यादा था उसके उसको जो है ज्यादा काम दिया गया, जिसके जमाने में काम कम था उसको कम काम दिया गया। काम के एतबार से छोटे बड़े, ना कि नबूवत के एतबार से कोई छोटे बड़े हुए। हमारे बच्चे जो है वो यही समझते हैं कि जब ये कह दिया कि हमने बास को बास के ऊपर फजीलत दिया, इसका मतलब यह है कि किसी को बड़ा नबी बनाया, किसी को छोटा नबी बनाया, नहीं। काम के एतबार से छोटा बड़ा बनाया है, ओहदे के एतबार से किसी को छोटा बड़ा नहीं बनाया है। एक चीज तो अब जब हमारा और परवरदिगार आलम ने दूसरा काम और किया कि जिसका काम ज्यादा था उसको ऐसी जगह पे भेजा कि जहां वाले गुमराह ज्यादा थे, जहां वाले गुमराह ज्यादा थे। इसीलिए आप देखें जनाब नूह को जब भेजा तो जनाब नूह को ऐसी जगह भेजा जितनी गुमराही उस जमाने वालों की जहां पाई जाती थी वहां जनाब नूह को। इसीलिए इनको जो है उस इलाके में जो है रूम वगैरह के इलाके में भेजा। अब जैसा कि आप सुनते रहते हैं जनाब शीश जो है वो अपने हिंदुस्तान में है, जो सरकार भाई से पूछ भी इनकी अजुदारे भी है, ये अक्सर अयोध्या जाते रहते मानता है। जनाब हाबील जो है वो शाम पहुंच गए थे, उनकी कब्र वहां। जनाब आदम के लिए मिलता है कि आदम जो है वो लंका में उतारे गए। तो चूंकि जिस जमाने में जैसी गुमराही थी जितनी हिदायत देना था उस एतबार से जो है वो नबी भेजा गया, और जिससे जितना ज्यादा काम लेना था, जिससे जितना ज्यादा काम लेना था उसे वहां भेजा गया जहां जितनी ज्यादा गुमराही हो, गुमराही हो। इसीलिए रूए जमीन पे जिस जमाने में हमारे नबी को भेजना हुआ, मक्के से ज्यादा गुमराही कहीं थी ही नहीं। मक्का ही वो सर जमीन थी जहाँ गुमराही की जितनी किस्में हैं सारी किस्में जो है वो मक्के में मौजूद थी। पहले की गुमराही में से एक गुमराही थी कि खुदाई का इनकार कर दिया जाए, उनके खुदा यहाँ मौजूद थे। बुत दूसरी गुमराही थी बुतों के सामने सर झुकाना, जितने किस्म के पत्थर थे सब जो है वो खुदा बने हुए थे। जितने है जानवरों के सामने सर झुकाना, जितनी किस्म की गाय भैंस ऊंट थी सबके सामने जो है वो
सब झुकाया जा रहा था, क्योंकि सारी गुमराहियां जो आदम से लेके ईसा तक के जमाने में फैली थी वो सारी गुमराहियां सिमट के जो है वो मक्के में आ गई थी। लिहाजा परवरदिगार आलम ने कहा है मोहम्मद हमने ताकत के एतबार से कुव्वत हिदायत के एतबार से न वो ताकत ईसा में दिया है न मूसा में दिया है न नूह में दिया है न इब्राहिम में दिया जो तुम्हारे अंदर रखी है। लिहाजा तुम्हें वहां भेजा जाएगा जो सबसे ज्यादा बिगड़े हो। सबसे ज्यादा जो बिगड़े हो, बस फर्क इतना है कि जब मोहम्मद को भेजना हुआ तो बिगड़े हुए किस्म को बेदीन कहा जाता था। इस लफ्ज को याद रखिएगा, जब मोहम्मद को भेजना हुआ तो जितने बिगड़े हुए थे उनको लामत बेदीन कहा जाता था। लेकिन तारीख में एक जुमला और मिलता है कि जब पहले मोहम्मद को भेजना हुआ तो मक्के में भेजा, जब आखिर मोहम्मद को जाहिर करना होगा तो मक्के से जाहिर करना करेगा। दोनों में मुशाबिहत क्या पाई जाती है? मुशाबिहत यह पाई जाती है जब पहला मोहम्मद आया था तो बेदीनी फैली थी, जब आखिरी मोहम्मद आएगा तो लामजहबियत फैली रहेगी। यानी बेदीनों को दीदार बनाना ये पहले मोहम्मद का काम है, लामजहबों को साहिब मजहब बना देना ये आखिरी मोहम्मद का काम है। इस्लाम का परचम लहरा दिया मक्के में, ये मोहम्मद का कारनामा है। जब आखिरी मजहब आएगा तो ये इनका मुसल्ला है, दीन की अलामत नहीं है। जब आखिरी मोहम्मद आएगा क्या सारे मुसल्ले समेट लो, अब मेरा मुसल्ला बिछेगा। जैसे सारे अभियान समेट के इस्लाम आ गया वैसे सारे मुसल्ले समेट के Yeah.
आप तो बता नहीं सकते, बना नहीं सकते हजरत अबू जहल। ये कभी आप कहीं तारे को सुना कि हजरत अबू जहल जो खुद नहीं, तो अगर उनको अल्लाह मियां भी बनाना था हलवे वाला, तो उसके लिए भी वो बहुत अच्छा, उससे कहा जा रहा मेरा अल्लाह समझ कितना मुश्किल काम है समझा। इसीलिए मैं अक्सर अपने दोस्तों में कहा करता हूँ कि हम लोगों के लिए जानते ही नहीं कि मुसलमान कैसे बना जाए। हम तो बने बनाए मुसलमान हैं, हम सब कोई नहीं जानते कि मुसलमान कैसे बनता है, मुसलमान बनने में कितनी मेहनत होती है। अब काश के मुसलमान पैदा होके थोड़ी सी मेहनत कर लें, मुसलमान रहने में कितनी मेहनत है। हमको मुसलमान बनना नहीं है, हमको सिर्फ मुसलमान रहना है। अब रहने के मरहले में देख लें कि हम लोग कहाँ कहाँ आ गए हैं। तो जरा उनसे पूछे जिनको मुसलमान बनना, कैसे मुसलमान बने। इसलिए अक्सर जो है मुसलमान बनने मिलने में तो बहुत से लोगों के वाकयात है, लेकिन जनाब बिदारी ही के बाद जो मिलता है। अब आप सोच लें कि क्या इस आलम में हम मुसलमान रह सकते हैं या नहीं, जिस आलम में बिदार मुसलमान बन के रह गए। दोनों बच्चों को देखिए, जनाब बिदार को जब लोगों को पता चल गया कि बिदार मुसलमान हो गए, मोहम्मद के आपों में कलमा पड़ गया, तो बिदार के जो मालिक थे गुलाम थे, काले चमड़े वाले जो है वो आज तक बेचारे, उसी वजह से जो है वो आज तो गुलामी खत्म हो गई, लेकिन गुलामी ही की निगाह से देखिए, जैसे जैसे बिल्कुल बेहनी वही हाल है, जैसे पहले लड़कियां दफ की जाती थी जमीन के अंदर, लड़कियां आज भी दफ की जाती है, सिर्फ दफ करने का अंदाज होगा। मैंने पढ़ा था दफ करने का अंदाज सुन लीजिए थोड़ा सा, आए कहने लगे रिश्ता लेके आया, तारीख तय कर लिया, तय कर लीजिए, सब कुछ तय कर लिया। तब कहने लगे के कभी ये ना पूछेंगे कि महर कितनी दे, फौरन कहेंगे पहले मौलाना तय कीजिए बराती कितनी। कभी आप बता दीजिए बराती कितनी, देखिए हमारा खानदान बड़ा है, सौ से प्रथम दिन और तक क्या डेढ़ सौ हो जाएगा। ये छोटा सा घर है, जितना मुमकिन होगा पता नहीं, छोटा सा घर नहीं, होटल का इंतजाम कीजिए, घर भी है। जितना बोलिए डेढ़ सौ में से कोई एक तक आज तक आज से पहले किसी होटल में कदम रखा है? उत्तर वालों को कहा जाता है बेटियों को गाड़ दे रहे, आज भी तो गाड़ा जा रहा है बेटियों को, बस गाड़ने का तरीका बदला हुआ है। बहुत सी चीजें हैं जो आज भी रह जाए, इसलिए कहा जाता है कि हम लोगों ने है मुसलमान बनने की तकलीफ जितनी नहीं है, हम तो मुसलमान हैं, और इसीलिए चाहे जितना गलत काम कर डाला है हमारी हर गलती, क्योंकि हम पहले से मुसलमान हैं, या तो कोई बात नहीं है। जो काफिर से मुसलमान हुए थे उनके लिए सारी परेशानी है, सारी परेशानी। इसीलिए अक्सर ये कहा जाता है क्या नहीं, ये लोग क्या तो खानदानी जो हर वक्त काफिर थे। अरे कम से कम उनको इतनी तौफीक हुई कि खानदानों में कुफ्र होने के बाद जब आए तो जो है अपना कैरेक्टर सही करके कोई अम्मार बन गया, कोई मिर्दार बन गया, कोई हम तो खानदानी मुसलमान है, अभी तक कोई ना अम्मार निकल पाए ना कोई मिर्दार निकल पाए। क्या बात है, क्या बात है। अगला भी अगर कोई निकला भी तो यही झगड़ा शुरू कर रहा है, आया या अम्मार जैसे हो सके कि नहीं होगा, ऐसा नहीं उनकी हैसियत ही है, लेकिन आज तक किसी की समझ में ना आया। एक चांद के बारे में अगर बोल दे तो आज तक समझ में नहीं आया कि आया या जो है वो बाकीदार बने कि नहीं। एक खाली तमा के बारे में बोल दे, देखिए क्या क्या हंगामा। अच्छा सबसे पहले मसला ये जानते हैं क्या, मैंने किसी महीने में पढ़ा था अपने जवान में, मुझे अच्छा लगा, जितने लोग तुमको कमा के बारे में ज्यादा बहस करे सब ने कहा कि हमको कोई एतराज नहीं है, चेहलों को चौरा जो है वो कोतवाली पे तस्वीर ले आई, खूब बड़े बड़े छुरी लेके और सबको पकड़ के ले आओ और कहो चलो करो देखें। अगर एक खुराफात करने वाला कर दे तो बताए,
ये तुमको न करना है न धरना है कुछ नहीं करना है। जंजीर जिन बच्चों को करना है वो कर, उनसे वो न कभी किसी से बहस करते हैं न झगड़ा करते हैं। उनको जो करना है वो झगड़ा करते मैं बता रहा हूँ अपने बच्चों से, यही मेरी इत्तेमाद है कि जितने ऐसे आके खुराफात करना शुरू करें ठीक है, आपके नजदीक जाए तो मेरे नजदीक भी जाए, और अगर किसी ने कहा है तो बहुत गलत कहा, जिसने कहा बहुत गलत कहा। लेकिन शर्त यह है कि चेहरों के दिन भागिएगा नहीं, ताकि पता तो चल जाए ना। ये खाली जो है वो जवान बच्चों को जो है वो कटवाना चाहते हो, खुद अपने जो है वो ऐसे ही लोग हैं जो हस्त भागे थे जो उनको परेशान करते उन्हें परेशान करते हैं। जानते क्या एक झगड़ा जो हमारे बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि ये बूढ़े तो हमारे मातम में नहीं रहते, लिहाजा जहां जो है वो जब ये हमारे मातम में नहीं रहते तो इनकी मस्जिद में जाके हम जो है, यानी अब हमारा यहाँ इमाम हुसैन के नाम पे भी दो पार्टी हो रहा है, इमाम हुसैन के नाम पे। देखिए ये बाहर वालों की पार्टी नहीं कि कोई साहब ये सोचेंगे ये पार्टी कहीं बाहर बढ़ी, ये शिया इतना अचली और उन लोगों के दरमियान पड़ी बनी है जिन्हें तमन्नाए जहरा है, जिन्होंने जो दुआए जहरा है, दुआ जहरा ने दुआ किया है कि कौन पैदा करेगा। तो ये अब मैं आपसे पूछ रही थी तो अपने जवानों से, खुदा जो कौन पैदा करेगा उस कौम में जो है बूढ़े नहीं पैदा हुए थे। देखिए पैदा तो सब बच्चे ही होंगे, लेकिन जब बच्चे पैदा होंगे तो जवान भी होंगे, जवान होंगे बूढ़े होंगे। इसका मतलब यह है कि हम सब के सब 60 साल और 70 साल वाले से लेके जो अभी जो है वो आज आगोश मातर में पैदा हुआ सब के सब एक कौम है। ये अपने ध्यान में इस तस्वीर को रखिएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये आया कहाँ से कि ये मजलिस वाले हैं हम मातम वाले हैं, इतना आया कहा। इसी ये जहां पैदा हो जाए समझ लीजिए कि हमारे दरमियान में शैतान घुस गया। देखिए ये कारोबार जो है शैतान का, लेकिन मैं अपने जवानों से अपने बच्चों से कहूंगा एक चीज तुम सोचो और वो अपने परवरदिगार आलम हर इंसान से उतना ही मुतालबा करता है जितना उनको ताकत देता, जितना ताकत देगा उतना ही आपसे मुतालबा करेगा। अब अगर ये बात आपके अकल में आ रही है कि अल्लाह अपने बंदों से उतने ही काम चाहता है जितनी उनको ताकत दे रहे, अगर ताकत नहीं देता तो फिर अल्लाह काम उनका मुतालबा ही नहीं करेगा। आप पूछेंगे मौलाना साहब ये आपने कैसे कर दिया, जनाब नूह को इतनी ताकत दे के भेजा था कि पत्थरों के दरमियान दब जाओ, फरिश्ते आके निकालें और निकालने के बाद दोबारा ठीक हो जाओ, फिर कहो कि अल्लाह एक है। अभी तो अगर नूह के पास इतनी ताकत न दिया होता परवरदिगार आलम ने तो कभी नूह से न कहता कि कहो अल्लाह एक, क्या बोल दीजिए। लिहाजा खुदा जिससे भी काम लेता है तो जितना काम लेना होता है उतनी ताकत देके भेजता है। तो अब अगर आप ये फलसफा समझते हैं तो खुद ही फैसला कर लीजिए जितनी ताकत आप में है उतनी ताकत बूढ़ों में नहीं, जितनी ताकत आप में है उतनी ताकत बूढ़े में नहीं है। अब मैं फिर जुमला पलट के कहूंगा बूढ़े में न उतनी खड़े होने की ताकत है न उतनी बैठने की ताकत, ये मतलब याद रखिएगा। ये बच्चों की जिम्मेदारी है कि अल्लाह ने न बैठने की उतनी ताकत बूढ़ों में दिया है और न खड़े होने की उतनी ताकत बूढ़ों में दिया है, लिहाजा रोजे कयामत फर्ज पे न बैठने का सवाल भी जवानों से होगा और मजा मातम न करने का सवाल भी जवानों ही होगा। ये तो सबके सब कमजोर है, जितनी देर बैठ सकते हैं उतनी देर बैठेंगे, नहीं बैठ सकते चले जाएंगे। जब अल्लाह पलट के पूछेगा कि क्यों नहीं बैठेंगे, खुदा जितनी ताकत दिया था आधे घंटे की दिया था आधे घंटे बैठे हैं,
लेकिन कोई जवान नहीं कह सकता कि हमें बैठने की ताकत नहीं है, इसलिए कि सबसे छुपा सकते हो अपने खुदा से नहीं छुपा सकते। जितनी ताकत तुम्हारे पास, तो जब तुम्हारे पास ताकत ज्यादा है तो तुमसे बैठने का भी मौका दबा जाता है। और उसके बाद जब मातम करना होगा, दो हाथ अगर तुम्हारी तरह से ये मार लेना तो सोचो क्या होगा, तुम्हें को उठा ले जाना पड़ेगा। याद कर लीजिए, लिहाजा नहीं है तुम्हारी तरह से जो है वो सीना नहीं कर सकते और न तुम्हारी तरह से जो। क्या किसी कहीं आपने सुना कि जितने लोग जो है वो आज के घुटने के मरीज हो गए हैं, जितने हैं जो बहुत से लोग हैं, अच्छा एक खराबी और पैदा हो गई। अभी वहां मरीज हो रहे थे मिशन क्या, जो बेचारे बूढ़े बूढ़े जो नहीं बैठ पाते हैं वो तो कुर्सी पर बैठे हुए। मैंने दो तीन आदमियों को देखा तो बिल्कुल अभी जो है वो 36 साल के करियर जवान वो भी आकर हो। अब ऐसे लोगों से पूछा जाए कि भैया तुमको कौन सी कयामत आ गई है, अरे कहीं ऐसा ना हो कि खुदा देख ले और वही घूट ले कभी हो ना। भेजा जो है वो नाम हुसैन के ऊपर घुटने में दर्द क्या जो है वो ऐलान ना करो, अगर सच में दर्द है। लेकिन इसमें कोई पाबंदी नहीं हो सकता किसी जवान के लिए ऐसी तकलीफ पैदा, लेकिन होता यही कि जैसे कुर्सी देखा मस्जिद के बाहर तो बूढ़े गरीब तो जो है वो क्या कहते हैं, जब खाली नहीं पाए तो कुछ कहेंगे। ज्यादा जवान की जिम्मेदारी ज्यादा है यहाँ, वो चाहे कुर्सी पे बैठना हो चाहे हमें आपसे पूछना चाहते। एक आदमी आप अभी तक तो नहीं था, लेकिन मैंने ही जो है वो 2 साल पहले जब ज्यादा किया तो इनको कासिद भी हमारे साथ गया, तो मैंने कासिद से कहा कि इसका पूरा जो है हमने कैमरे में इस कुर्सी के नक्शे खींच लो और याद कर लो, चल के तुमको अपने बढ़ई को बता कि ऐसे बनवाना। और मैंने 27-28 हजार बनवा के शहर की जितनी मस्जिदें हैं सब में भेजा, हो सकता है लोगों देखा होगा मालूम रूल लिखा होगा। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि नमाज में अस्करी भाई पहुंचे और जाके उस कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ लिया, और आप जब पहुंचे तो आपसे हमने कहा कि नहीं तुम नहीं बैठ सकते हो, हम आप पीछे खड़े हो, तो हम जानते आप में खड़े होने की ताकत है, आप अगर बैठे तो खुदा आपसे पूछेगा कुर्सी पे क्यों बैठे, और उनमें जो है वो खड़े होने की ताकत नहीं है, वो अगर खड़े हो जाएंगे तो खुदा उनसे पूछेगा कि खड़े क्यों होंगे। देखिए दोनों सवाल तो गलत अजीज, नमाज में सारे जवानों के समझ में आ जाता है कि हम खड़े होने की ताकत रखते हैं, अगर बैठ जाएंगे तो हमसे पूछा जाएगा। और ये जो है अब आप पूछेंगे वो कैसे, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे एक आदमी वजू नहीं कर सकता, एक आदमी वजू नहीं कर सकता, उसकी जिम्मेदारी है तयम्मुम, अगर वजू कर ले तो पूछा जाएगा कि वजू क्यों किया, और एक आदमी ऐसा है जो वजू कर सकता है अगर वो तयम्मुम कर ले तो उससे पूछा जाएगा तयम्मुम क्यों किया। बिल्कुल वैसे ही नमाज में जिसमें खड़े होने की ताकत है उससे पूछा जाएगा कि बैठे क्यों, जिसमें बैठे होने की जो है वो ताकत है उससे पूछा जाएगा कि खड़े हुए क्यों, इसलिए जबरदस्ती खड़े हुए। हमारे यहाँ इबादत जो है ताकत के एतबार से, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वाजिबात को छोड़ दी, वाजिबात का मसला अलग है, लेकिन मुस्तहब इबादतों में से सबसे बेहतर इबादत का नाम है जिक्र अहले बैत, फजाइल अहले बैत, मसाइल अहले बैत। वाजिब में आप जो तुम ना कीजिएगा, इसलिए वाजिब का दर्जा अलग है। पंचवक्ता नमाज को अगर आपके टकराए किसी मुस्तहब से तो मैं उस नजरिए का कायल नहीं हूँ, लेकिन इतना बहरहाल तय है खुद रवायात और अहादीस में कि मुस्तहब इबादत में सबसे अफजल इबादत का नाम जिक्र अहले बैत है, फजाइल अहले बैत और मसाइल अहले बैत। अब अगर ये बेहतर इबादत है तो अगर बैठने के लायक हो नहीं बैठे तो पूछा जाएगा, खड़े होने के लायक हो बैठ गए तो पूछा जाएगा, ये सब उससे पूछा जाएगा जिसके पास दोनों ताकतें हैं, उसे बैठना भी है उसे खड़े भी होना है, जहाँ बैठने के वक्त बैठ जाए।
या नहीं करते? किसने कहा कि नहीं करते? वो जो ऐसे ऐसे मातम कर रहे हैं ना, उनसे बदला नहीं करते। अगर तुम कहीं ऐसे ऐसे करने लगे तो तुमसे पूछा जाएगा कि ताकत दिया था क्यों नहीं किया। तो आप याद रखिएगा, ये सारी चीजें हमारे यहाँ सिर्फ इसलिए फैला दी जाती है कि पूरी ईसाइयत और यहूदियत का पूरा मकसद यह है। कितनी खूबसूरती से दो पार्टी हमको बना दिया, बूढ़ों की पार्टी अलग, जवानों की पार्टी अलग। अब इतने हसीन अंदाज में लफ्ज इस्तेमाल किया कि देखिए, जवानों का काम है जो आंजुमन में सीना देने का, बूढ़ों का काम है जाकिर का बयान सुनना। नहीं अभी तो ये गलत फहमी, इसलिए उनका काम तो खत्म हो गया है। जो चार छह दस साल के बाद वो ऐसी लायक लगे तुमको, तुम कंधे पर उठाओ और ले चल के आखिरी मंजिल तक पहुंचा दो। काम तो तुम्हारा शुरू हुआ है, काम ये तुम्हारा। इसीलिए जिसके पास जितनी ताकत है परवरदिगार उससे उतना मुकाबला करे। आपने कभी सोचा मैदान जंग में तलवार उठाने के लिए कभी किसी से नहीं कहा कि 7 साल वाले तुम तलवार उठाओ, लेकिन जो 18-20-25 साल का है उससे कहा गया कि तलवार उठाओ। क्यों? इसलिए कि तलवार उठाना जवानों का काम है। अरे ये सब बातें तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहीं देखा कि हिंदुस्तान की आर्मी में जो है 70 साल वाले को जो है नौकरी मिल रही? कहीं मिलती है? किसको मिलती है? 22-24 साल वाले करियर जवान को। क्यों? इसलिए कि यानी जब दुनिया का सिपाही बनना है तब तो जवानी शर्त है, और जब इस्लाम का सिपाही बनना हो तो सारे बूढ़े बनेंगे। ये किस आदमी ने बताया? और एक बात याद रखिएगा, हमसे आज तलवार चलाने का मुतालबा नहीं है, हमसे आज जानते किस चीज का मुतालबा है। ये जो हमारे हाथ मारना नहीं है, हम हाथ मारते अपने सीने पे व्हाइट हाउस तक धमक पहुंचती है। ये तलवार तो शायद उतनी धमक न पहुंचे दुश्मनों के दिल में जितनी धमक हमारे सीने पे हाथ मारने से पैदा होती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जितनी ताकत से मारोगे उतना ही ज्यादा दहलेगा अमरीका। हम आप इलाहाबाद में सीना दरी करेंगे, धमक कहाँ पहुंचेगी इसराइल में? अब तो कम से कम पता चल गया कि जो काम तलवारें नहीं कर पा रही है वो हमारे जवानों की सीना दरी कर रही है। अब इससे बेहतर जिहाद क्या हो सकता है? लिहाजा कह दिया जाए शायद यही वजह है कि पूरी ताकत लगी हुई है। इनकी मर्जियत को भी खत्म कर दो, इनकी आजादारी को भी खत्म कर दो, लेकिन अगर खुदा ने चाहा, चूंकि ये खुदा का वादा है, न कभी मर्जियत खत्म हो सकती है न कभी आजादारी खत्म हो सकती है। इत्तेफाक से उस वक्त मैं भी था, इमाम खुमैनी बहायात। एक दिन जो है वो ऐलान हुआ कि आज शाम को जैसे ही 8 बजेंगे वैसे ईरान के हर औरत और मर्द के ऊपर फर्ज है, मतलब ये फर्ज है कि वो नारे तकबीर पढ़े। फिर बच्चे हमारा सुने, हर औरत मर्द बच्चे जवान बूढ़े सब पे वाजिब है कि ठीक 8 बजे जो है वो कहे अल्लाह हु अकबर अल्लाह हु अकबर अल्लाह हु अकबर। अच्छा बाप, आप भी वही सोच रहे होंगे जो हमने भी सोचा था जब इमाम ने यह फरमाया कि 8 बजे जो है वो अल्लाह हु अकबर की आवाज सुनोगे। अब जैसे ही 8 बजे वैसे टीवी से रेडियो से घरों की छतों से जो है वो मैदानों से चारों तरफ से जो है अल्लाह हु अकबर अल्लाह हु अकबर अल्लाह हु अकबर अल्लाह हु अकबर की आवाज बदल मारने लगी। कुछ समझ में नहीं आया ये है क्या चीज, लेकिन जब सुबह का अखबार देखा, सुबह के जब टीवी खोला और टीवी देखा तो पता चला कि इस अल्लाह हु अकबर की उतनी धमक ईरान में नहीं है जितनी व्हाइट हाउस में। उतनी धमक यानी वहां सारे के सारे परेशान है कि ये वजह क्या है कि अच्छा सारे ईरानी अल्लाह हु अकबर कह रहे हैं, अल्लाह हु अकबर कह रहे हैं, अल्लाह हु अकबर कह रहे हैं। अभी तो जैसे अपने मुल्क में बैठ के अल्लाह हु अकबर की आवाज से जो है
पैगाम हुसैन तक जाए। लेकिन जिस वक्त कोई पाबंदी नहीं, एक साल की कैद बंद, और ऐसी कैद बंद नहीं जिसका फैला घर एक साल पहले खत्म कर दिया, और उसके साथ 80 बच्चे, एक जवान है सैयद सज्जाद के जैसा, और उसके अलावा सारी औरतें, और औरतों का भी पसंदीदा आप सुन कि जब 11 मुहर्रम को ये औरतें करबला से कूफा चली तो असीरान में बहुत सी औरतें, असहाब की भी औरतें थी, हुसैन के साथियों की भी औरतें थी, चाहने वालों की भी औरतें थी, ये सब के सब आई और आने के बाद कूफे में जो है कैदी बना। लेकिन 19 मुहर्रम को, इसलिए कि 11 मुहर्रम को चले, करबला से कूफा पहुंचने का टाइम ज्यादा से ज्यादा एक दिन, ये 12 मुहर्रम को सबके साथ करबला पहुंच गए से कूफा पहुंच गए, और उसके बाद दरबार में और बाजार में इन्हें तशहीर करने के बाद वो ऐसी मुसीबतें हैं जो हम और आप लोग पढ़ते रहते हैं सुनते रहते हैं, ये सिर्फ कलेजा कायले हरम के दिनों ने इन मुसीबतों को बर्दाश्त कर लिया, हमें सुनने की ताकत नहीं है तो बर्दाश्त करने की ताकत, और उसके बाद भेजा के इनको इतने जात के जिंदाज इन रूपों में कैद कर, जब इन्हें कैदी बना दिया गया तो आप कूफे के जो बड़े बड़े रुआसा थे, जैसे हबीब इब्ने बताई थी, ये भी रुआसा में से, इस तरीके के जो लोग कूफे से थे, और मैं अपने बच्चों से एक बात और कहूं कि मैदान करबला में जो 30,000 का लश्कर था, इसमें से एक आदमी भी शाम कर गया, आप इस बात को पर गौर कीजिएगा कि ये जो 30,000 का लश्कर था, इसमें से एक आदमी भी शाम से नहीं आया था, ये सब के सब कूफे और अतराफ थे। वो जदीद के लश्कर में भी कूफे और अतराफ कूफे से आए थे, और हुसैन के लश्कर में भी ज्यादातर लोग थे वो कूफे से आए थे, या तो हुसैन के घर वाले थे या 2-4-6 जो बाहर वाले थे। हक यह है क्या ये जो हल्का है जिनको आप सुनते हैं ये भी कूफे वाले, तो हम लोगों को 2-4 नाम याद नहीं, ज्यादातर की तादाद जो है कूफे की। तो अब उनकी औरतें भी साथ थी, उन्हें कैदी बनाएंगे, और कैदी बनाने के बाद इन 7-8 दिनों में इतनी सिफारिश पहुंची, इतना शोर पहुंचा कि इनके जाद ने असहाब की औरतों को आ गया, और 19 मुहर्रम को जब दोबारा ये कारवा कूफे से शाम की तरफ रवाना करता है कि इस कारवा में सिर्फ अहले हरम या तो नबी की बहुएं थी, या नबी की निवासियां थी, ये नबी की बेटियां थी, सिर्फ और सिर्फ हम नबी के घर के अफराद थे, कोई बाहर का एक आदमी नहीं था, और ये जितनी 18 औरतों का तस्करा मिलता है जिसके आप सुनते रहते हैं, एक रसम थी 12 गले बंद, ये सब के सब अहले हरम थे, बाकी सब कूफे तक आते आते जो है बाहर आ गए। जरा सोचे अब ये काफिला चला 19 मुहर्रम, और 19 मुहर्रम को ये काफिला चलते चलते पहुंचा कब, 29 मुहर्रम को शाम में जाते, 29 मुहर्रम को शाम में अहले हरम जाते हैं, और 3 सफर को शाम में सरे इमाम के मंदिरों में जाते, और उसके बाद अब एक कहीं से रवायत किसी ने लिख दिया कि उसी साल जो है वो रिहाई करके निकली के बाद जो है वो आगरा में नहीं है कि उसके साथ बाहर निकली, इसलिए कि तारीख कहती है कि 10 सफर में जनाब सकीना का इंतकाल हुआ। अब आप खुद बताए अगर जनाब सकीना का इंतकाल हुआ उसी साल कैसे होता, इसलिए कि 7 दिन तो जनाब जैनब ने शाम में रुक के मकान खाली करा के उसके बाद अपने भाई का मातम किया। तो जहां से चलने के लिए सफर करने के लिए कम से कम 10 दिन चाहिए, और फिर कूफे से जो है इधर आने के लिए 2 दिन चाहिए, 12 दिन का सफर है, तो उस सफर में ये कहना कि उसी साल
एक साल तक अरब को जिंदान के और एक साल के बाद जब पानी अधीन लोग हमें अपने जवानों का जीवन में कभी सोचा हमारे और आपके हाथ खुले हुए हम आजाद हैं हमारे ऊपर जो कोई पाबंदी नहीं है इस ऐसे हालात में जो साल भर कैद खाने में रहा हो और कैसा कैद खाना जिसके लिए दो लफ्ज मिलता है एक लफ्ज तो ये मिलता है कि ऐसी कोठरी थी जिसमें न कहीं से हवा आती थी न कहीं से और दूसरी रवायत मिलती है कि एक जो है वो चारों तरफ से एक चार दीवारी घिरी हुई थी जिसमें रात की होश पड़ती थी सोचे जिन मुसाइब ने जो है वो जिंदगी गुजारा है और अहले हरम में उसके बाद जैसे ही मौका मिला था कि अब मदीने चले जाए फौरन चले जाना चाहिए था लेकिन ज़ैनब ने कहा अगर ऐसे चले जाएंगे तो शाम वालों को कैसे पता चलेगा कि मेरा भाई मजलूम है अब समझ में आया अगर सच में ज़ैनब के मानने वाले हैं तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि जगह जगह खड़े होके इलाम करें कि हुसैन इब्न अली मजलूम लेकिन मैं इस्तेमाल में कलाम में बस एक जुमला कह अपनी बात को खत्म करता हूँ चाहने वालों है रोने वालों एक बात बहरहाल सोचना पड़ेगा कि आज जब 1400 साल के बाद रदी जैसे साथी की जबान से आप मसाइब हुसैन सुनते हैं तो दिल मचल जाता है लेकिन रदी पढ़ने वाले वो हैं जिन्होंने किताबों में हुसैन की मसाइब देखा है ये उलमा से सुना है लेकिन जब सानिया तहरा शाम में मसाइब पढ़ रही थी तो ज़ैनब ने न किसी किताब से पढ़ के ना है न ज़ैनब ने किसी रानी का बयान पेश किया है तारीफ में किया कि ज़ैनब एक बदन से खड़ी हो गई शाम की औरतें बैठी हुई थी एक मतवाली की लाडली बोलना शुरू कर दी है अरे शाम की औरतों क्या तुम जानती हो मैंने देखा है कि मेरे भाई के बाजू कलम कर दिए गए मैंने देखा है कि खून का फव्वारा मेरे अकबर के कलेजे से निकल रहा था और मैं खड़ी ये मंजर देख रही थी और ये कहते कहते मैं उस वक्त ज़ैनबिया में खड़ी थी जब मेरा भाई ज़िबा हो रहा था और उसके बाद दोनों हाथों से मुंह पीट के कहती हाय वो बहन कैसे देख रही थी कि भाई के जनाजे पे घोड़े इधर के घोड़े उधर और उधर के घोड़े رضن کا تدائی و تسلیم اندیا الہی برحق تہرا و آبیہا و بائیہا و سنگیہا مالنا محمد و محمد تو خیر و آرے محمد تو خیر و آرے ہر مومن و مومنات سنگیہا جو ہمارے درمیان سے اٹھے ہونے جو آرے محمد جو لوگ محمود ہیں مجھے پتہ ہیں جو لوگ مجھتا کہتے دائے تو ہم نے حضرت آرے محمد जो लोग अरबैन में ज्यादा करने के लिए कर रहे हैं सदाया उनको खैरियत से कर रहा पहुंचा दे और बाखैरियत उनके घर तक वापस पहुंचा दे और ज्यादा से ज्यादा मोमिन करबला में पहुंचे ताकि जो दुश्मन की ताकत है कि लोग करबला ना पहुंच सके इस साल कार्यक्रम शामिल होकर इतने लोग पहुंचेंगे कि दुनिया की आंखें जो है वो खीरा बन जाएंगी جہاں جہاں بھی مومنین و مسلمین ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کے جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو جس کے حالات رہتے ہیں جو بے اولاد ہیں ان میں برد سارے ہیں علماء عرب نے